जाहिर शराब पीने दे मस्जिद में बैठ कर या वो जगह बता दे जहाँ पर खुदा ना हो मैं अपने पिताजी को देखती थी तो मेरे अंदर एक डर भर जाता था मुझे सर लगता था कोई राक्षसा भी हो तो बहुत बड़ा कुछ क्रिमिनल एक्ट इन लोगों ने मिलकर मेरे अगेंस्ट किया था कि मैं मेडिटेशन करती थी तो मुझे लगता था कि मैं एक एक को जैसे गला पकड़ के मैं ख़त्म कर दूँ हम चित्र पुरुषित्र समवेद सभा माम का पांड भाषे मकुर वसं आप शेयर की एनर्जी से कभी भी ना खुश रह सकते हैं ना किसी को हील कर सकते हैं ये डेंजरस एनर्जी है मुझे मूर्ति और मंदिर में कोई आस्था नहीं मोहल्ले के जितने घटिया लोग हैं लफंगे हैं वो मंदिर में बैठे रहते थे, थे और लड़कियों को देख के भद्दी हरकतें इशारे करते थे मेरे बॉस मुझको बहुत सारी धमकियाँ दे रहे थे तो उन्होंने कह दिया था कि आई विल हार्म यू एंड यू विल डिपेंड लेटर ऑन मेरा बड़ा बेटा है जब मैं तीन साल की थी ना तभी वो मुझे एस्ट्रल वर्ल्ड में दिखा करता था जब तो मैं मेडिटेशन किया करती थी तो वो उसकी आत्मा मेरे आसपास घुमा करती थी घर में ऐसा हुआ कि हर 20 मिनट बाद एक बहुत तेज़ गोल्डन लाइट मेरे राइट साइड में मुझे दिखा करती थी टेंथी की भाषा में कहूँ तो टॉक्सिक पीपल आर द कैटलिस्ट अगर हमारी लाइफ में निगेटिव लोग नहीं होते जो हमारी मजाक बनाते हैं हमारे विरुद्ध षड्यंत्र रचते हैं जहरीले रिमार्क पास करते हैं तब तक हम आध्यात्मिक रूप से उन्नत हो ही नहीं सकते हैं नमस्कार मित्रों पीएमसी हिंदी के खास कार्यक्रम आत्मा की यात्रा में आप सभी का स्वागत है आत्मा क्या क्या करने धरती पर आती है क्या क्या सीखने आती है इसके लिए वो पहले से प्लानिंग करके आती है वो अपने परिवारजन अपनी परिस्थितियाँ पहले से ही डिसाइड करती है, उसको करना क्या है पर यहाँ आने के बाद उसको ऐसा एटमॉस्फेयर भी मिलता है परिवारजन मिलते हैं जिससे कि वो आगे की यात्रा को बहुत अच्छी तरह से कर पाती तो आइए हम जानते हैं आज हम एक पिरामिड मास्टर से मिल रहे हैं जो कि जीवन के अंदर उन्होंने अलग अलग संस्थाओं पर गई उन्होंने अलग अलग परिस्थितियों में काम किया और अपने अलग अलग अनुभवों को जीवन में धारण करके अपने रास्ते को और आगे की ओर अग्रसर किया तो जानते हैं उन्हीं से हम मिल रहे हैं मंजुला सक्सेना जी से जो पिछले 36 साल से भारत सरकार में काम कर रही हैं अलग अलग मंत्रालयों में उन्होंने काम किया है और साथ में इस समय वो डायरेक्टर की पोस्ट पर काम कर रही हैं तो उन्हीं से जानते हैं उनकी इस सुंदर जीवन की यात्रा को मंजुला जी आपका स्वागत है आत्मा की यात्रा कार्यक्रम में धन्यवाद नमस्कार मंजुला जी जैसे कि नाम ही है हमारे एपिसोड का आत्मा की यात्रा तो आत्मा जब धरती पर आती है तो उसका जन्म माता पिता के माध्यम से होता है परिवारजनों के साथ मिलती है तो मैं आपके उस बचपन के बारे में जानना चाहती अरुणा जी मेरा जन्म हल्द्वानी है उत्तराखंड में रेलवे स्टेशन मेरे पिताजी रेलवे में काम करते थे तो मई 1964 में हल्द्वानी में हुआ था और वहाँ पर उस समय आर्य समाज का बहुत ज़्यादा प्रभाव था मुझे याद है शकुंतला देवी गोयल नाम की एक समाज सेविका थी वो घरों घरों में जा के बच्चों को अच्छे संस्कार देने के लिए एक शास्त्री जी थे वो भी घर में हम लोगों को वेद के मंत्र सिखाना हवन करना सुबह शाम संध्या करना ये सारी बातें हमसे करवाई जाती थी और मेरी माँ जो थी आर्य समाज में संगीत की अध्यापिका थी तो वो उस उस कल्चर से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस थी तो हमारे घर का माहौल भी आर्य समाज से बिल्कुल प्रभावित था तो बचपन से हमने सात्विक और आध्यात्मिक संस्कार हमको मिले और वही सब आगे बढ़ते चले गए फिर मेरे जो नाना जी थे वो चैतन्य महाप्रभु की परंपरा में दीक्षित थे तो वहाँ पर भगवान श्री कृष्ण जी की बाल गोपाल जी की सेवा होती थी लड्डू गोपाल जी को सुबह वो आरती पूजा श्रृंगार तीन टाइम वो सब करते थे और वो अगर चाय भी पीते थे तो तुलसी दल के साथ पहले भगवान को भोग लगा के तब लेते थे तो भगवान कृष्ण की सेवा करने में बहुत मज़ा आता था छोटे छोटे से कृष्ण जी बलराम जी अच्छे होते थे उनकी आरती उनके लिए भोग बनाना जन्माष्टमी के दिन बहुत घर में झांकी लगाना प्रसाद बनाना फूल लेकर के आना सुंदर सुंदर पत्तों से कृष्ण जी यशोदा जी और कृष्ण जी की जो जेल में जन्म हुआ था वो सारी झाँकि हमारे घर में हमारे पेरेंट्स हम सब भाई बहनों को बिठा करके वो करते थे तो इस तरह से भगवान कृष्ण के प्रति बहुत आकर्षण सा था साथ में आर्य समाज से जुड़े हुए थे तो स्वामी दयानंद की जो पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश है उसको भी पढ़ते थे और बहुत सारी आध्यात्मिक पुस्तकें हमारे घर में होती थी तो सभी के संग बहुत कुछ सीखा बहुत कुछ समझा और वो जिज्ञासा और जो तलाश थी वही धीरे धीरे आगे अध्यात्म को विज्ञान के रूप में समझने में हमारे काम आए मैं जानना चाहती हूँ कि जैसे परिवार में आर्य समाज का एक वो था तो आप भी जो यज्ञ है उसमें करने में आपका भी योगदान होता बिल्कुल होता था, था क्योंकि इतवार के दिन हमारी माँ हम सारे भाई बहनों को बिठा करके हमसे यज्ञ घर में करवाया करती थी तो जो मंत्र थे शांति मंत्र वगैरह जो वेदों के मंत्र थे वो उन्होंने हम सबको पूरे कंठस्थ करवाए थे और बड़ी पवित्रता का एहसास होता था और अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाता था कि जीवन में कुछ भी हो कितनी भी सिचुएशन हो हम हमारे अंदर डर नहीं आएगा हम उसको हैंडल करने के लिए कैपेबल हैं वो एनर्जी और वो गाइडेंस हमको हमारी माने दी पर तो जैसे मंजुला जी की आ, बच्चे छोटे होते हैं उनको बैठना बैठ के यज्ञ करना इन चीजों में इतना इंटरेस्ट नहीं आता और उसके पहले आपकी मदर भी करती थी जैसा कि आपने अभी बताया तो आपको अंदर से कभी फीलिंग नहीं आई कि मैं ये क्यों करूं किस लिए करूं बहुत अच्छा लगता था और कृष्ण जी को तो देख के लगता था कि ये तो बहुत ही अच्छे हैं ये तो हमारे अपने हैं मतलब कृष्णी के संग तो बहुत ही जबरदस्त बॉन्डिंग का एहसास बचपन से हुआ करता था और गीता पढ़ना जिस स्कूल में हम पढ़ते थे तो वहाँ पर भी हमारे जो आचार्य लोग थे सरस्वती शिशु मंदिर पेलीभीत में क्लास में आ गए प्रधानाचार्य पूछते थे कि बच्चों बताओ गीता का पहला श्लोक क्या है तो हम हाथ खड़े करके बोलते थे धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र सम्वेता युत्सभा माम का पांडवा शैफ के अकुरब संध्या तो स्कूल का भी माहौल ऐसा था कि खाने से पहले मंत्र संध्या पहले मंत्र आचार्य लोग बहुत शुद्ध सात्विक और आध्यात्मिक माहौल हमको मिला तो बस कोई डर जैसी चीज नहीं थी बहादुरी के संग ज़िंदगी जीना सीखा बचपन से मुझे याद है हमारी माँ सुबह चार बजे उठती थी और खुद भी ठंडे पानी से नहाती थी और हम सबको भी ठंडे पानी से नहलाती थी तो पहले तो वही कप कप ही छूटती थी लेकिन माँ कहती थी नहीं बहादुर बनना है ठंडे पानी से नहाने से ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है बीमार नहीं पड़ते तो वो बड़ी पॉजिटिव एक वाइब्स हमारे अंदर आ जाती थी फिर वो सुबह सुबह आकाशवाणी दिल्ली लगा दिया करती थी उसमें विचार बिंदु आता था कुछ अच्छे विचार भक्तिभाव वो सब हमको वो समझाती थी और आकाशवाणी के जितने अच्छे कार्यक्रम हम लोग जब छोटे थे तो वो रेडियो लगा के सारे बच्चों को बैठा के वो बातें सबके अंदर भरती थी कि आपको आध्यात्मिक होना है आपको देश की सेवा करनी है आपको समाज की सेवा करनी है ऐसा बनना है कि परिवार का समाज का सबका भला हो तो आ, कभी कभी ये बात अखड़ती थी कि सुबह चार बजे उठने का मन नहीं होता था लेकिन मेरी माँ बहुत स्ट्रिक्ट थी आठ बजे सारे बच्चे बिस्तर में चले जाएंगे और वो भाषण भी बहुत अच्छे देती थी कि अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स ए मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज और एक वो लॉन्ग फिल्म की कविता हमें सुनाती थी ट्रस्ट नो फ्यूचर हाउ अवर प्रेजेंट लेट द डेड पास्ट बरी इट्स डेड एक्ट एक्ट इन द लिविंग प्रेजेंट हार्ट विद इन एंड कॉड ओवर हैड कि पास्ट को भूल जाओ और प्रेजेंट को भगवान के साथ मिल करके खूब मेहनत करो तो, तो तुम सब कुछ कर सकते हो वो हमको बहुत इंस्पायर करती थी मोटिवेट करती थी और साथ में डिसिप्लिन में भी रखती थी कि जितने बजे सोना है तो सोना है इतने बजे उठना है तो उठना है इतने बजे नहाना है इतने बजे ब्रेकफास्ट करना है टाइम टेबल बनाओ क्योंकि ज़िंदगी बहुत कीमती होती है तो वो हमारी ग्रूमिंग और ट्रेनिंग आप समझ लीजिए हमारी माँ ने बचपन से की तो आपके जीवन के अंदर आपके फादर का क्या रोल था हमारे पिताजी जो थे रेलवेज़ में काम करते थे और पिताजी के जो पिताजी थे वो परिवार ऐसा था कि जहाँ नॉनवेज खाया जाता था और पूरा तामसी भाग के लोग थे लेकिन मेरी माँ ने पूरी जो कल्चर थी वो अपने हाथ में कैप्चर की हुई थी तो घर में वही बता था जो माँ चाहती थी आ, वो हमको सामाजिक सेवा में भी लेके जाती थी जैसे मुझे याद है हम पीलीभीत में रहते थे बाढ़ आ गई तो वो हमको लेके जाती थी बाढ़ पीड़ित लोगों की मदद करने के लिए अपने कपड़े हैं जो भी चीज़ है आप ज़रूरतमंदों को देख करके हो और स्कूल से भी हम जेल में भी जाते थे पागलखाने में भी जाते थे कि अगर तुम बुरे काम करोगे तो तुम्हें जेल में जाना पड़ेगा बीमारियाँ होंगी तो बिल्कुल उन्होंने हमको बेसिक कंसेप्ट क्लियर कर दिए थे कि तुमको ईमानदारी से मेहनत से और भगवान के साथ अपनी ज़िंदगी जीनी है गलत काम करने का परिणाम तो हमेशा बुराई होता है बीमारियां होती हैं लोगों को जेल में जाना चाहता है तो वो उन्होंने बहुत गहराई से ये सारी बातें हम सब भाई बहन प्लस उनको म्यूज़िक भी आता था तो उन्होंने मुझे तबला और हारमोनियम भी घर पर ही सिखाया था मीरा के भजन कबीर के भजन वो उन्होंने सिखाए थे तो हमारी जो फाउंडेशन थी वो प्योरली स्परिचुअल थे तो आपके परिवार में नॉनवेज नहीं आया मेरी माँ ने मेरी माँ ने कभी नॉनवेज बनाया भी नहीं और ना हम लोगों को खाने दिया और हमारे पड़ोस में अगर जैसे कोई बुलाता था पिताजी को खिला देते तो उन्होंने हमारे अंदर डर भर दिया दे कि देखो उसने मछली खाई थी तो उसके गले में वो मछली का कांटा अटक गया और उसकी डेथ हो गई तो डर इतना भर दिया कि हम लोग मछली मीट ये सब खाने के सोच भी नहीं सकते थे तो पिताजी जो थे वो बिल्कुल साइलेंट रहते थे वो ना ज्यादा बोलते थे उनकी जिम्मेदारी इतनी थी कि अगर माँ ने शिकायत कर दी कि किसी बच्चे ने आज बदमाशी किया तो कान वान खिंच जाएंगे थोड़ा सा डिसिप्लिन कर दिया जाएगा बट ओवरऑल कंट्रोल हमारी माँ का पूरे परिवार पर चलता था तो आपके परिवार में आपके जो भाई बहन थे उनके बारे में मैं जानना था मैं सबसे छोटी थी हूँ मतलब मेरे तीन बड़े भाई हैं और उनसे बड़ी मेरी एक बहन है तो अभी भी हम सब लोग बहुत अच्छा हमारे घर में सभी के साथ ऐसा हुआ कि रिश्ते भी हुए तो ऐसे परिवारों में जहाँ नॉन वेज खाया जाता था लेकिन धीरे धीरे सब लोग सात्विक हो गए तो मेरा एक भांजा है वो कहता भी है कि हमारी फैमिली में ईच वन टीच वन प्रोग्राम है मतलब सबकी शादी ऐसे परिवारों में हुई जो नॉन खाने के शौकीन थे लेकिन धीरे धीरे वो लोग भी सुधर गए और सात्विक हो गए तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि एक ऐसा सिस्टम बन गया कि आप वेजिटेरियन थे नॉन वेज में गए बट उनको भी वेजिटेरियन आपने बना, दिया, दिया हाँ बना दिया तो आपकी स्कूलिंग और पढ़ाई कैसी हुई जैसे आपने बोला कि आपने म्यूजिक अपनी मदर से सीखा तो आपने कुछ खेल कूद में या कुछ और किसी में रुचि रही आपकी देखिए शुरू के चार साल मैं पीलीभीत में पढ़ी सरस्वती शिशु मंदिर था और बहुत ही अच्छा स्कूल था हमारे जो आचार्य लोग थे हमारे घर भी आते थे वो हमारी माँ से पूछते थे कि समय से उठती हैं कि नहीं उठती हैं, पढ़ाई करती हैं मंत्रों का जप करती हैं कि नहीं तो बड़ा क्लोज़ मॉनिटरिंग क्लोज़ वॉच हमारे ऊपर रखा जाता था घर में भी और स्कूल में भी और स्कूल में भी इतना अच्छा माहौल था कि हम लोग कभी अपने अपने सपनों के विषय में भी बातचीत करते थे कि किस बच्चे ने क्या सपना देखा तो किसी फ्रेंड ने बताया कि आज तो मैंने सपने में सरस्वती जी को देखा क्योंकि हम सरस्वती जी की बहुत उपासना किया करते थे तो माँ सरस्वती के संग बड़ा लगाव महसूस होता था कि विद्या की देवी हैं वीणा वदिनी हैं उनके लिए हम लोग स्कूल में भजन भी हारमोनियम पर गाया करते थे खेल भी खेलते थे चुनाव भी लड़े जाते थे बहुत ही बढ़िया माहौल था उस विद्यालय में हमारा और जैसे मेरे बड़े भाई थे तो हम लोग शाम को साइकिल चलाना है बैडमिंटन खेलना है ये सारे काम भी किया करते थे तो बहुत ही आ, एक पॉजिटिव और फियरलेस एटमोसफेयर में हमको हमारे पेरेंट्स ने पाल पोस करके बड़ा किया आ, मेरे पिताजी का ट्रांसफ़र एक छोटी सी जगह है यूपी में कासगंज के पास शोरम वहाँ पर रेलवे स्टेशन पर हो गया था वहाँ पर यूनिवर्सिटी है बड़े कॉलेज नहीं थे और मेरे बड़े भाई थे ट्वेल्थ करने के बाद उनका इंजीनियरिंग में सिलेक्शन हो गया था तो मैं और मेरे तीन बड़े भाई हम लोग अलीगढ़ में नाना जी के पास रह करके हमने पढ़ाई की फिफ्थ से टेंथ तक की पढ़ाई मैंने अलीगढ़ में की और उस दौरान क्या हुआ कि हमने हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिक दंगे झेले और बहुत कुछ ऐसा देखा जिसने हमको दहला दिया आंदोलित कर दिया क्योंकि जब भी जब नारे सुना करते थे बहुत कुछ ऐसा होता था तो डर अंदर बैठ जाता था तो तब खासकर आध्यात्मिकी ओर रुझान तो बढ़ा क्योंकि मेरे तो जो टीचर्स थे वो सारे मुस्लिम थे और बहुत प्यार करते थे बहुत ही अच्छे होते थे तो अंदर एक कन्फ्लिक्ट आ गया था कि कौन सा रास्ता सही है ये जो दंगे होते हैं जिनमें खून खराबा होता है धर्म के नाम पर हिंदू मुस्लिम के या जो हम लोग अपने स्कूल कॉलेज फ्रेंड सर्कल में हमें तो हिंदू मुस्लिम होने का कोई फ़र्क नहीं पड़ता तो ये सब अनुभव करते करते मुझे याद है अलीगढ़ में शेर व का माहौल बहुत था तो तो मैंने एक शायर की शायरी पढ़ी थी कि जाहिद शराब पीने दे मस्जिद में बैठ कर या वो जगह बता दे जहाँ पर खुदा ना हो तो ये शायर जो शेर था इसने मुझे बहुत प्रभावित किया तो कि ईश्वर मंदिर या मस्जिद में तो नहीं है वो तो सब जगह व्याप्त है और उसके बाद जब हम बरेली भी आए तो मेरी तो बहुत अच्छे मुस्लिम फ्रेंड्स थे तो हमने कुरान भी पढ़ी वो उन्होंने गीता पढ़ी और हम हमारे सारे भ्रम दूर हो गए कि ये तो बेकार की बातें बेकूफ़ियाँ हैं, हैं भगवान के नाम पर लड़ना ईश्वर तो जो खुदा है वो सबके अंदर बसता है कुरान और गीता की जो टीचिंग्स हैं वो कॉमन है सबके लिए एक हैं और फिर वही सब तलाश आगे चलती रही लाइब्रेरी में जा जा करके मैं कोशिश करती रही कि किस तरह से जो दंगे होते हैं धर्म के नाम पर इनको रोका जाए जो खून खराबा हम लोग करते हैं क्योंकि हमारे अलीगढ़ में जो टीचर्स थे वो भी यही कहती थी कि बहुत ज़्यादा खून खराबा हो गया ये सब नहीं होना चाहिए हमारे टीचर्स बहुत अच्छे थे सब मुस्लिम थे लेकिन सब हमें बहुत प्यार करते थे बहुत अच्छे से गाइड करते थे और जो भी मैं सोचती हूँ हम लोग आगे बढ़े वो हमारे मुस्लिम टीचर्स की मेहनत और जो मोटिवेशन वो लोग हमारे साथ करते थे उसकी वजह से था तो फिर मैंने बहुत ज़्यादा हिमालय के योगियों को पढ़ना शुरू किया और तब स्पिरिचुअल साइंस मेरे को जब समझ में आ गई तो मुझे लगा कि ये तो सारी बेवकूफियां हैं हाँ मुझे कुछ ऐसा करना चाहिए कि हमारे बीच की जो दूरियां हैं मिस है ये खत्म होनी चाहिए और फिर वो एक जीवन का एक तरह से मिशन बन गया हिमालय के योगियों को पढ़ के समझ के उनके साथ रह के बहुत कुछ सीखा सब तो सब पुस्तकें आपने बचपन से ही पढ़नी शुरू कर दी थी स्वामी दयानंद सरस्वती के जीवन के विषय में मैंने पढ़ा था कि शिवरात्रि के दिन उन्होंने देखा उनके पिताजी शिव जी के भक्त थे कि सब लोग कीर्तन करके मंदिर में सो गए और चूहा आया और शिव शिवलिंग के ऊपर जो उन्होंने प्रसाद चढ़ाया था चूहा खा रहा था तो उनको लगा कि ये कैसा शिव है जो चूहे से अपनी रक्षा नहीं कर सकता वो किसी और की रक्षा क्या करेगा फिर उन्होंने घर छोड़ दिया और फिर वो भटकते रहे उनको एक मुर्दा मिला मुर्दे के शरीर को उन्होंने चीर फाड़ करके देखा जो सात चक्र कहे जाते हैं वो उनको दिखाई नहीं दिए फिर वो गिरजानंद जी के पास गए और जब उन्होंने साधना की तब उन्हें शरीर के अंदर सातों चक्रों का उनका अनुभव हुआ और उसके बाद समाज में उन्होंने कितना कुछ झेला बाद में उनकी उनकी हत्या भी कही गई एक षडंत के तहत स्वामी दयानंद जी की हत्या की गई थी तो ये सारी चीज़ें बचपन में माँ से भी सुनी पढ़ी भी फिर स्वामी विवेकानंद को भी साथ साथ पढ़ा उसके बाद योगानंद जी को पढ़ा योगेश्वर आनंद जी को पढ़ा सभी आध्यात्मिक गुरुओं को पढ़ा स्वामी नारायण के विषय में भी पढ़ा राधा स्वामी के विषय में भी पढ़ा गायत्री शक्तिपीठ के साथ भी जुड़े हमारे घर में सभी आध्यात्मिक पत्रिकाएँ गीता प्रेस गोरखपुर की कल्याण थी वो भी आया करती थी योग निर्माण योजना गायत्री शक्तिपीठ की वो भी आया करती थी तो पढ़ते पढ़ते दिमाग बिल्कुल खुलता चला गया कि अगर ज़िंदगी में शांति स्वास्थ्य और प्रस्पैरिटी आनी है तो सबको मिल करके चलना पड़ेगा और उसका एक ही तरीका है कि हम अध्यात्म को विज्ञान के रूप में समझें और अभी तो जितना न्यूरोलॉजी और डीएनए पर रिसर्च हो रही तो है तो उससे क्लियर हो गया कि ब्रेन और स्पाइन ये दो ही चीज़ें हैं जिनमें फोकस करके हम लोग हायर डायमेंशन के संग जुड़ सकते हैं उसमें हिंदू मुसलमान सिख ईसाई होने से कोई फर्क नहीं पड़ता सबकी मंजिल एक है सबका ओरिजिन एक है सबकी तलाश भी एक ही है सभी अच्छी ज़िंदगी जीना चाहते हैं लड़ाई झगड़ा किसी को भी बर्दाश्त नहीं होता फिर मैंने जैसे डोलरस कैनन के एक्सपीरियंसिस पढ़े उन्होंने लोगों को पास्ट लाइफ में ले जा कर के उनके विषय में जो सारा कंपाइल किया द कन्वोल्यूटेड यूनिवर्स उनकी तीन चार पुस्तकें हैं उनको मैंने पढ़ा तो उसमें ग्लेडिएटर जब यूरोप में हुआ करते थे ये लोग लड़ते थे वो आत्मा कह रही है कि मुझे बुरा लग रहा है कि मुझे मरना पड़ रहा है मैंने इतने लोगों को मारा है क्योंकि जीवन का उद्देश्य तो क्या है प्यार से रहना चाहिए वी नीड टू ऑनर लाइफ वी नीड टू ऑनर रिलेशनशिप तो मेडिवल पीरियड में यूरोप में भी ये जो खुद स्लेवरी का सिस्टम था या ग्लेडिएटर होते थे जिसमें इंसान और स्लेव्स को लड़ाया जाता था आत्मा हमेशा उससे दुखी होती थी ट्रेनिंग थी इसलिए वो लोग डरते थे चाहे स्लेव्स हों या ग्लेडिएटर्स हों जो भी कुछ एंटरटेनमेंट के लिए यूरोप में ये सारी चीज़ें की जाती थी तो क्योंकि मानवता उस समय उतनी विकसित नहीं थी सोच नहीं थी एंटरटेनमेंट का को कोई और तरीका नहीं था तो लोग यही सब काम किया करते थे स्पेन में बुल फाइट किए जाते हैं इंसान और बुल की लड़ाई होती है हिंदुस्तान में भी आप इतिहास उठा करके देखें तो कितना खून खराबा होता रहा है लेकिन वो डार्क एजेस थी अब तो सेटेलाइट का टाइम आ गया है और अब तो मुझे बहुत अच्छा लगता है सारी दुनिया में हमारे मित्र हैं बहुत अच्छी दोस्ती है बहुत अच्छे सबके संग संबंध हैं और हम सब पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटीज़ के साथ जुड़ने के बाद और भी स्पीड अप होकर एवोल्यूशन की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं पर तो आपका जैसे आप बता रहे हैं कि आपका बचपन जो था आप बचपन से ही आप बुक्स भी पढ़ती थी आपका आध्यात्मिक की तरफ रुझाव भी था पर जैसे आप मुस्लिम कम्युनिटी में रहती थी और उस कम्युनिटी में नॉनवेज चलता है तो कभी आपके पास ऐसी फीलिंग आई या आपने कभी उनको प्रमोट करा आगे कि ये चीज़ नहीं लेनी चाहिए या नहीं खानी चाहिए ऐसा कभी आपके जीवन में कोई हादसा आया क्या कि मेरी नानी भी बड़ी वॉरियर टाइप की थी और जबकि उनकी सास खूब नॉनवेज खाती थी बट नानी ने बताया था कि वो शादी होकर के आई उन्होंने कभी नॉनवेज नहीं पाया और वो मेरी प्रेरणा बन गई क्योंकि वो तो दस ग्यारह साल की एज में उनकी शादी हुई थी ना ज़्यादा पढ़ी लिखी थी ना पैसे कमाती थी लेकिन वो अपने धर्म को लेकर के बहुत स्ट्रिक्ट थी संस्कृत नहीं आती थी लेकिन भगवत गीता लाहौरी भाषा में उनके पास थी वो पढ़ा करती थी और राधा कृष्ण के भजन वगैरह भी वो गाती थी तो नानी के संग माँ के संग एक तरफ समाज था दूसरी ओर भगवद गीता थी तो बहुत अच्छा लगा कि नहीं नॉनवेज नहीं खाना तो नहीं खाना क्योंकि किसी की जान लेने का अधिकार तो किसी को नहीं है हमने किताबों में पढ़ा था कि महात्मा बुद्ध जब छोटे थे और देवदत्त था तो किसी ने शिकार किया तो उन्होंने उसको बचाया था हंस को और महात्मा बुद्ध ने ये बात कहा था कि मारने वाले से बचाने वाले का अधिकार ज़्यादा होता है और वो पक्षी पक्षियों की रक्षा करते थे तो ये तो बिल्कुल क्लियर था कि नॉनवेज तो खाना ही नहीं है और बनाना भी नहीं है नानी ने भी नहीं किया माँ ने भी नहीं किया और मैं भी शादी के बाद गई तो मेरी सास को मुझसे बहुत तकलीफ होती थी क्योंकि वो भी नॉनवेज खाने की बहुत शौकीन थी तो मुझे लगा कि हमारी वंश परम्परा है कि सांसें जो हैं वो नॉनवेज की शौकीन है और बहुएं जो है वो माला जपने वाली और घंटी बजा करके ठाकुर जी को भोग लगाने वाली हैं तो वो हमको विरासत में मिली और हमने देखा था कि उन सब ने घर की कल्चर को चेंज किया नानी ने भी चेंज किया माँ ने भी किया और मैंने भी किया <laughs> तो मंजुला जी आपके जीवन के अंदर कोई चैलेंज ऐसा आया जैसे आप पढ़ाई भी करती रही और आप जीवन में सब कुछ सीख रही थी तो कुछ चैलेंजेस ऐसे आए होंगे कुछ ऐसी परिस्थितियां आई होंगी जिसके कारण आपने कुछ नया मोड लेने के लिए कुछ अपने आप को उठाया तो ऐसा हम कुछ चाहते हैं कि आप हमारे दर्शकों को बताइए जैसे मैं अपने परिवार में थी तो मेरी माँ जो डिसिप्लिन रखती थी वो बात मुझे कभी कभी अखरती थी क्योंकि वो हमे को बातचीत का माहौल नहीं मिलता था एक नियम है कि आपको ये काम करना है प्रस्क्राइब है उसको आप वॉयलेट नहीं कर सकते एक अनुभव मैं बताती हूँ मैं पाँच साल की थी मैंने हिंदी भाषा पढ़ना सीखा था तो मेरी माँ सुबह सुबह रामचरित मानस का पाठ करती थी इधर मेरी माँ बैठी थी इधर मैं बैठी थी तो वो पढ़ रही थी उसमें वो वाला प्रसंग पढ़ रही थी कि भगवान राम जब छोटे से हैं तो एक कौआ आ जाता है और वो रोटी को लेकर के राम में और कौए के बीच में एक खेल चल रहा है माँ ने पाठ किया उसके बाद रामचरित बंद कर दिया मेरी इच्छा हुई कि मैं भगवान राम की उस बाल लीला को खुद पढ़ूँगी तो मैं रामचरित मानस खुद पढ़ना चाहती थी क्योंकि उस समय तक मैंने हिंदी भाषा पढ़ना सीख लिया था लेकिन मेरी माँ इतनी स्ट्रिक्ट डिसप्लनेरियन थी कि उन्होंने अगर रामचरित मानस बंद कर दिया तो फिर किसी बच्चे की हिम्मत नहीं है कि वो उसको खोल करके पढ़े उन्होंने मुझे आँख दिखाई मैंने ज़बरदस्ती की उन्होंने मुझे एक थप्पड़ मार दिया और उसके बाद मैंने इतना गुस्सा किया इतना गुस्सा किया कि पड़ोस की जो आंटी थी वो भी आ गईं और कहने लगी ये छोटी सी बच्ची है तुम्हारे काबू में नहीं आती है ये बहुत शोर मचाती है इसको पखाने में बंद कर दो मुझे और गुस्सा आया कि ये लोग तो गुंडागर्दी है ना मैं कोई गलत काम तो नहीं कर रही देखिए बच्चे अगर शरारत करते हैं तभी उनको मौका मिलना चाहिए बातचीत से उनको सुलझाओ और अगर वो नहीं मानते तब उनको कुछ पेनल्टी मिलनी चाहिए ऐसा नहीं होना चाहिए कि बस एक तानाशाह की तरह से आप बच्चों को ट्रीट करें तो पूरे दिन मैंने खाना नहीं खाया और मैं मुंह फुला करके जो भी प्रोटेस्ट करती थी मेरी माँ ने मेरे हाथों को बांध दिया लेकिन मैंने खूब तोड़ जो भी कर सकती थी अपना प्रोटेस्ट मैंने रजिस्टर किया और अगले दिन एक घटना घट गई कि मेरे घर के पास ही मेरी एक सहेली रहती थी तो हम लोग सुबह सुबह बगीचे में मिला करते थे और छः इंच की करीब घास थी हरी घास थी लॉन में मैं भी खड़ी थी मेरी फ्रेंड थी और हम लोग कुछ बतिया रहे थे आपस की बातें कर रहे थे अचानक उसने कहा कि देखो तुम्हारे पैर के नीचे सांप है लेकिन मेरे को ये समझ नहीं थी कि सांप कोई जहरीली या ख़तरनाक चीज़ होती है मैंने देखा हाँ एक पतला सा सांप है लेकिन छूने में वो बड़ा अच्छा लग रहा था ठंडा ठंडा सॉफ्ट सा लग रहा था तो मैंने बड़े आराम से उसके फन पर मैंने पैर रखना शुरू कर दिया मलना शुरू कर दिया बट उसने शोर मचाया तो मेरे पिताजी आ गए कि देखो इसके पैरों की चीचें सांप है और ये कुछ क्या करिए ये कुछ भी हो सकता है तो फिर उन्होंने मुझे गोदी में उठाया अंदर लेके गए फिर मेरी माँ जो थी उससे शाम को उस समय पूजा करने बैठी तो कहीं ना कहीं उनको ये एहसास हुआ कि उन्होंने जो मुझ पर हाथ उठाया था वो एक गलती थी तो ऐसा हमेशा होता था कि मेरी माँ जब भी तानाशाह वाला व्यवहार करती थी तो मैं हमेशा प्रोटेस्ट करती थी और फिर उनको उनकी गलती का एहसास होता था और ये सब, सब चलते चलते क्या हुआ जब मैं पंद्रह साल की हुई क्योंकि मैं, मेरी माँ का ये मानना था कि लड़की है तो लड़की को पहले घर गृहस्थी के कामों में सीना पिरोना जो भी होते हैं वो काम करे और उसके बाद पढ़ाई लिखाई करनी चाहिए और मैं ज़िद्दी थी मुझे लगता था कि लड़की या लड़के होने से कोई फर्क नहीं पड़ता तो जो काम मेरे भाई कर रहे हैं वो मैं भी करूँगी अगर भाई बॉक्सिंग कर रहा है तो मैं भी बॉक्सिंग सीखूँगी भाई साइकिल चला रहा है तो मैं भी करूँगी भाई अगर स्विमिंग के लिए जा रहा है तो मैं भी करूँगी और मेरी माँ को वो कहती थी लड़कियों लड़कों में फ़र्क होता है लड़कियों को पढ़ाए घर जाना होता है लड़कियों में सहन शक्ति होनी चाहिए और ये बातें मेरे बिल्कुल भी गले उतरती नहीं थी इसलिए मैंने पढ़ाई की और भाइयों से ज़्यादा नंबर ला करके दिखाया और फिर मेरे को विश्वास आ गया कि मैं उतनी नालायक नहीं हूँ जितना मेरी माँ समझती है और उसके बाद हम बरेली में थे तो भाई लोग किसी का जॉब लग गया कोई अलग चला गया तो घर में मैं मेरी माँ और मेरे पिताजी और पिताजी का टूरिंग जॉब था वो तो दस दस दिन तक रेलवे में कॉमर्शल्स में थे टूर पे चले जाते थे तब फिर मैंने अपनी माँ को उनकी गलतियों का एहसास करवाया कि भाई भगवान ने यह नहीं कहा है कि आप बड़े हो गए हो तो बच्चे छोटों के संग आप कुछ भी मन मानी करो और फिर मेरी माँ ने भगवद्द गीता पढ़ना शुरू किया सूरज को जल देना शुरू किया और उन्हें भी ध्यान करना शुरू कर दिया और एक तरह से हमारे बीच में एक स्पिरिचुअल रिलेशनशिप डेवलप हुई जो डर की जो कल्चर थी घर की उस कल्चर को मैंने ख़त्म कर दिया एक बार कुछ ऐसे ही घर में बात चले थी मेरे पिताजी से सब लोग बहुत डरते थे क्योंकि वो भाई की अगर कहीं शिकायत आ गई तो डंडे से पिटाई लगती थी और डंडे टूट जाते थे मुझको ये बात बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती थी ऐसे घर में कुछ बात थी मैं मेरे पिताजी और मेरी माँ तीन लोग थे मैंने बड़ी शांति से मैं गई मैंने एक लाठी ला अपने पिताजी के हाथ में पकड़ा दी मैंने कहा ये लो डंडा मारो किस किस को कितना मारोगे मेरे पिताजी की हिम्मत नहीं हुई उस लाठी को छूने की चुप हो गए उस दिन मैंने समझ लिया कि ये जो कल्चर है टेरराइज करने की ये कितनी खोखली कल्चर है बातचीत से भी चीज़ों को बेहतर ढंग से सुलझाया जा सकता है डंडे के सहारे आप कभी भी किसी रिश्ते को मजबूत नहीं कर सकते हैं इवन जानवर के संग में सोचती हूँ पेड़ पौधों के संग भी हमने साइंस में पढ़ा है कम्युनिकेशन पॉसिबल है वाइब्रेशन हैं एनर्जीज हैं आप फियर की एनर्जी से कभी भी ना खुश रह सकते हैं ना किसी को हील कर सकते हैं ये डेंजरस एनर्जी है आपको हमेशा दोस्ती के साथ चीज़ों को सुलझाना चाहिए और आगे चल करके पढ़ाते फ्रेंड फिलोसोफर एंड गाइड सबसे पहले आप दोस्ती कीजिए रिश्ता कोई भी हो अच्छे से दोस्त बनिए दूसरे के एंगल से चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिए यही चीज़ मेरे इन लॉज में भी मेरे फादर इन लॉ के साथ भी रही वो भी काफ़ी डोमिनेटिंग नेचर के पर्सन थे और हमारे इन लॉज में भी मैं सबसे छोटी बहू थी कोई भी उनके संग बहस करने की हिम्मत नहीं कर सकता था लेकिन मैंने उनको उनकी हर गलती का एहसास दिलवाया और बाद में उनको मैंने जो गायत्री मंत्र होता है उसका इंग्लिश वर्जन उनको पढ़ने के लिए दिया और फिर उन्होंने लिख करके मुझे ग्रैटिट्यूड कम्युनिकेट किया तो ये सब हुआ कि और लोग जिस चीज़ को सहते रहे मैंने उस चीज़ को सहा नहीं और मैंने हिम्मत के संग उनको समझाया उनकी गलतियों का एहसास कराया और उन्होंने बाद में मेरे को धन्यवाद दिया मंजुला जी आपके जो रिलेशन्स हैं जो भी रिलेशन्स हैं फादर के साथ ब्रदर के साथ मदर के साथ क्या आपके रिलेशन शुरू से जैसे हैं वैसे ही रहे या उनमें कुछ परिवर्तन आया या आपको उनसे कुछ लेसन मिला देखिए बचपन से मैं ध्यान करती थी तो पूजा का एक अलग कमरा हुआ करता था तो कमरे में बैठ के ना कि कहीं ना कहीं कोई पुस्तक मिल जाती थी जिसमें मुझे मेरे सवालों का जवाब मिल जाता था और मेरी भगवान के संग आस्था जो थी ना बड़ी मजबूत थी जब भी कोई डर होता था कोई भी एंगजाइटी होती थी तो मैं भगवान का ध्यान करती थी और मुझे सपने में हमेशा वो कोई विज़न आ जाता था या कोई वॉइस आ जाती थी जो मुझको गाइड किया करती थी मैं आपको इतना बता दूं कि जब मैंने स्वामी दयानंद को पढ़ा कि बच्चे अगर मन में संकल्प करें कि मैं क्लास में फर्स्ट आऊंगा तो फर्स्ट आएंगे तो मैंने इस चीज़ को गांठ बांध बांधिया और जब मैं बच्ची थी सोने से पहले मैं एक बार अपने से कहती थी कि मैं क्लास में फर्स्ट आऊंगी क्लास में और वो मेरा रिकॉर्ड लाइफ लॉन्ग बना रहा प्रकृति कैसे हमको समझाती है ये मुझे इस तरह से समझ में आया कि जब मैं बारहवीं का एग्ज़ाम दे रही थी मेरी एक फ्रेंड थी वो बहुत स्टूडियस थी और मैं जो थी ज़्यादा स्टूडियस नहीं थी लेकिन मेडिटेशन करती थी और भगवान से जो कराना है करा लो मतलब एक फ्रेंडली एक रिलेशनशिप मेरा भगवान के साथ था कि आपको मेरे को जो करवाना है मैं हर चीज़ के लिए ओपन हूँ डर नहीं था एंगजाइटी नहीं थी तो जो मेरी एक राइवल फ्रेंड थी जिस दिन हमारा बोर्ड का एग्जाम था उस बेचारी के साथ क्या हुआ कि पहले ही दिन वो सीढ़ियों से गिर गई और उसका राइट हैंड फ्रैक्चर हो गया तो जिससे मुझे ख़तरा था कि ये टॉप करेगी मैं नहीं कर पाऊंगी अब इस बात को मैं जस्टिफाई नहीं कर सकती लेकिन उसका फ्रैक्चर हो गया और मैं कॉलेज में टॉप मेरा मेरी पोजीशन टॉप की जो थी वो बनी रही तो मैंने तो इस चीज़ को बहुत एहसास किया जैसे मैं एम इकोनॉमिक्स कर रही थी तब भी मैं एडवांस स्टेटिस्टिक्स और इकोनॉमेटिक्स की स्टूडेंट थी और मेरे जो प्रोफेसर थे उनको इन चीज़ों की कोई समझ नहीं थी मतलब फैकल्टी नहीं थी लेकिन वो सब्जेक्ट यूनिवर्सिटी ने स्टूडेंट्स को दे दिया था तो कोई पढ़ाने वाला नहीं था तो लाइब्रेरी में जा जा करके अपने आप पढ़ाई किया करते थे तो अब मैं मन में सोच रही थी कि यार मैं तो फेल भी हो सकती हूँ इतनी बुरी हालत थी मेरी एक फ्रेंड थी और मैं हम लोगों ने पिछले सालों के क्वेश्चन पेपर्स लिए उनके आंसर तैयार कर लिए और हमारी स्थिति ये थी कि दस में से अगर एक भी क्वेश्चन कुछ और आ गया तो हम फेल हो जाएंगे बस इतना था लेकिन मैंने मेडिटेशन किया और मुझे सपने में दिखा कि ऐसा ऐसे आंधी सी तूफान आई है मेरे एक प्रोफेसर हैं वो गए हैं और मेरी हेल्प कर रहे हैं और वही हुआ जिस दिन वाइवा था और स्कूल में कॉलेज में आंधी तूफान आया और एक प्रोफेसर थे जो मुझे बहुत सपोर्ट करते थे जो मुझे पसंद करते थे उनको था कि इस लड़की के नंबर कम नहीं आने चाहिए और उन्होंने शायद जो वाइवा लेने प्रोफेसर आए होंगे उनसे बात की होगी और मुझे उतने मार्क्स मिल गए कि एग्जैक्टली सिक्सटी परसेंट मार्क्स लेके जबकि मैं फेल भी हो सकती थी मेरी इतनी बुरी हालत थी तो मैंने हर कदम पर रियलाइज़ किया कि मैं भगवान से कम्युनिकेट करती थी कि भैया मेरी हालत है आई एम गिविंग माई बेस्ट बाकी आपके हाथ में और मुझे हमेशा सपने में गाइडेंस मिल जाया करती थी और वही चीज़ होती थी बाद में मंजुला जी जैसे कि आप हर बार बीच में बता रहे हैं कि आपको भगवान से आप कन्वर्सेशन करते थे भगवान के ऊपर ट्रस्ट करते थे तो उस समय आपके भगवान का क्या स्वरूप था भगवत गीता पढ़ने वाले जो गीता पढ़ती थी जब भी कोई कंफ्यूजन है डाउट है तो आंखें बंद की गीता पढ़ी उसमें जो श्लोक सामने आ गया वह समझ देती थी भगवान का मेरे लिए यही मैसेज है आप उसी को ही भगवान समझ लेते भगवत गीता ही मेरे लिए भगवान थी क्योंकि मेरे को तो बड़ी डांट पड़ती थी मेरे नाना जी कहते थे शिवरात्रि है तो मंदिर में जाओ और मुझे मूर्ति और मंदिर में कोई आस्था नहीं थी मेरी माँ भी मुझ पर बहुत गुस्सा करती थी कि तुम तो भगवान को नहीं मानती लेकिन मुझे लगता था कि भगवान मंदिर और मूर्ति में नहीं है बल्कि मैं तो जैसे अलीगढ़ का जो माहौल था हिंदू मुस्लिम दंगों का मैं देखती थी मोहल्ले के जितने घटिया लोग हैं लफंगे हैं वो मंदिर में बैठे रहते थे और लड़कियों को देख के भद्दी हरकतें इशारे करते थे तो मुझे तो मंदिर में भगवान की कोई अनुभूति नहीं हुई मैं एकांत में बैठ के मैं पुराण पढ़ लूँगी मैं लाइब्रेरी में जाकर कोई स्पिरिचुअल बुक पढ़ना पसंद करूँगी या साइंस की किताब पढ़ूँगी क्योंकि जब मैं फिजिक्स पढ़ रही हूँ केमिस्ट्री पढ़ रही हूँ मैं मैंडलीफ uh, uh, की टेबल पढ़ रही हूँ एलिमेंट्स की तब मुझे भगवान ज़्यादा अच्छे से समझ में आ रहा है मैं जब लाइट को स्टडी कर रही हूँ कि सेवन कलर्स हैं लाइट के जिसको हमारा कहता है सूर्य भगवान के जो है सात घोड़े हैं तो फिजिक्स केमिस्ट्री क्वांटम फिजिक्स बायोलॉजी डीएनए इसके स्ट्रक्चर को जब मैं पढ़ती थी तो मुझे लगता था मैं भगवान के बहुत नज़दीक आ गई एक विश्वास एक अंडरस्टैंडिंग मुझे डेवलप होती थी मंदिर और मूर्ति में, में मेरी कभी कोई आस्था नहीं रही इवन पंडितों के भी मैंने पैर छुना मैं तो बिल्कुल बहस कर देती थी लोग मुझसे नाराज़ हो जाते थे मेरी माँ भी नाराज़ हो जाती थी कि तुम बहुत बदतमीजी करती हो बहस करती हो लेकिन मेरे को कोई असर नहीं पड़ता था इन बातों का मंजुला जी जैसा कि आपकी पढ़ाई भी पूरी हो गई और फिर आपके जीवन में आपने जॉब भी करी होगी तभी से जॉब शुरू कर दी एम ए इकोनॉमिक्स मैंने किया था उन्नीस सौ पचासी में उसके बाद ही मेरा एक क्लासमेट था तो सारे लोग थे कि यू का असिस्टेंट ग्रेड का एग्जाम निकला है तो उसने मुझे फॉर्म दे दिया और मैंने वो फॉर्म भरा और मेरा एक फ्रेंड था उसने दस साल के जो क्वेश्चन पेपर थे यू के एग्जाम के वो सॉल्व क्वेश्चन पेपर मेरे को घर पे ला दे दिए कि मेरा बिजनेस है मेरे को तो बिजनेस देखना है मेरे को पढ़ाई का टाइम नहीं मिल रहा है। तू कर ले मैंने वो कर लिया और बड़ी आसानी से मैंने यूपीएससी का एग्जाम क्वालीफाई कर लिया और 87 से मैंने आकाशवाणी में अपना जॉब शुरू कर दिया और आकाशवाणी में जब मैंने पहली बार कदम रखा तो मुझे याद था कि बचपन से ही माँ जो है विचार बिंदु और भक्ति संगीत ये सब आकाशवाणी से हमने कितना कुछ बचपन से सीखा था और अगर आपको याद है हमारे टाइम में बच्चों के लिए अलग से कार्यक्रम आया करते थे चुनमुन ना। और उनसे मैं मिली जो प्रोग्राम बनाती थी तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि तो मैंने कहा आपका प्रोग्राम तो देखिए मैं बचपन से सुनती आ रही हूँ मैंने इतना कुछ सीखा है तो बहुत अच्छा रहा फिर मैंने आकाशवाणी दूरदर्शन पर प्रोग्राम भी बनाए लोगों के साथ जुड़ी ओल्ड एज होम्स में जो लोग काम वगैरह करते हैं उन सब के साथ प्रोग्राम्स वगैरह बनाए तो दिल्ली में आने के बाद बहुत कुछ सीखा बहुत कुछ समझा और जीवन जो है बड़ा वैरायटी से भरा रहा मेरा कभी कहीं काम किया तरह तरह के लोग पॉजिटिव नेगेटिव भी मिले बहुत करप्ट लोग भी मिले जिन जिन्होंने मुझे धमकियाँ दी जिन्होंने मुझे पुल डाउन करने की कोशिश की लेकिन मैंने कहा बचपन हमारा ऐसा था कि डरना नहीं है कृष्ण जी है ना तो बस कृष्ण जी को साथ लेकर के, के चलते हैं तो हर लड़ाई जीतते चले गए तो आपके जीवन में ऐसा कोई इंस्टेंस है जो आपको धमकी मिली और धमकी के बाद आप उसको ओवरकम करके आपने उससे कुछ सीखा मैं होम मिनिस्ट्री में काम करती थी मेरे एक जॉइंट सेक्रेटरी थे वो फॉरेस्ट सर्विस के थे वो मुझसे बहुत चिड़ते थे वो बड़े आ, इस तरह के व्यक्ति थे कि जो मैं कहूँ फाइल पर आप वो लिख करके लहेंगी और ज़्यादातर लोग उस चीज़ को फॉलो करते थे एक्सेप्ट मी मैं शुरू से इंडिपेंडेंट माइंडेड थी और बदतमीज़ भी थी कि मैं वही करूँगी जो मुझे ठीक लगेगा मैं किसी की पर्सनल स्लेव तो हूँ नहीं तो वो मुझे फ़ोन पर भी बहुत धमकियाँ दिया करते थे और मैं भी जो थी महात्मा बुद्ध को पढ़ के मैंने कहा भगवान ने मेरे को मौका दिया है क्योंकि भगवत गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन को यही कहा ना कि भैया युद्ध कर अगर तू युद्ध नहीं करेगा तो ये लोग तेरे को वैसे भी चंद जीने नहीं देंगे तेरे को अपयश मिलेगा उससे बेहतर है कि अगर जीतेगा तो यहाँ का साम्राज्य मिलेगा और वीर गति प्राप्त करेगा तो स्वर्ग में जाके भोगेगा तो ये बात मेरे को बिल्कुल समझ में आ गई थी कि जो कर सकते हो वो तो करो जो भी रिजल्ट होगा देख लेंगे ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा तो मेरे बॉस मुझको बहुत सारी धमकियां दे रहे थे कि जो मैं कह रहा हूँ आप हमारे कहने से नहीं चलते आई विल हार्म यू और फोन पर उन्होंने कह दिया था कि आई विल हार्म यू एंड यू विल डिपेंड लेटर ऑन और मैं सोच रही थी कि मैं क्या करूँ फिर मुझे महात्मा बुद्ध की वो कहानी याद आ गई कि एक बार महात्मा बुद्ध को बौद्धि प्राप्त हो गया था और वो जा रहे थे और कुछ लोगों की भीड़ उनको गालियाँ दे रही थी उनकी मजाक बना रही थी उनके पीछे आ रही थी लेकिन महात्मा बुद्ध ने कोई प्रतिक्रिया नहीं की थी बल्कि बड़ी शांति से उन्होंने उनसे कहा था कि अगर आप मिठाई दें और मैं मिठाई ना खाऊं तो उस मिठाई का क्या होगा तो लोगों ने कहा था कि हम खा लेंगे तो महात्मा बुद्ध ने कहा था कि आप जो कुछ भी मुझे दे रहे हैं मैं कुछ भी ले नहीं रहा और ये बात मुझे समझ में आ गई थी इसलिए मेरे जो बॉस थे वो मुझे कई लोगों के सामने बैठा करके भी मेरी बेजती पूरी करते थे और मैं बैठी रही शांति से मुझे पता था उनकी इंटेंशन मुझे तोड़ने की है लेकिन मैं टूटने वाली नहीं थी लेकिन उन्होंने मेरे बारे में जो कुछ भी निगेटिव बातें फैलाई थी मैंने उनको अपनी मेमोरी में रिटेन नहीं किया तीसरे दिन ही महात्मा बुद्ध की शिक्षा मेरे जीवन में बिल्कुल सामने प्रैक्टिकल एग्जाम के रूप में मेरे सामने आ गई हमारे एक सेक्रेटरी साहब थे जो जानते थे कि हम दोनों के बीच में काफ़ी डिफरेंसेस रहते हैं सेक्रेटरी जॉइंट सेक्रेटरी और डिप्टी सेक्रेटरी दोनों के बीच में डिफरेंसेस रहते हैं सेक्रेटरी सर ने मुझे बुलाया और कुछ मुद्दे थे मुझसे उन्होंने चर्चा की फिर मैंने कहा जेस का ऐसा भी है जे मुझे ऐसे करने के लिए कह रहे हैं मैं इसके लिए तैयार नहीं हो रही हूँ तो उन्होंने कर, फिर जेस फोन कहा फिर जेएस को फ़ोन कहा फ़ोन करवाया और जेएस को बुलाया और जॉइंट सेक्रेटरी ये मानते थे कि वो सबको अपने इशारों पर नचा सकते हैं सीनियर्स जूनियर्स क्योंकि हम बहुत पावरफुल हैं हम बहुत से मंत्रियों के नज़दीक रह चुके हैं वो उनके अंदर उस, उस एक तरह का एरोगेंस था और वो सेक्रेटरी साहब के रूम में आए और अपना मोबाइल पर किसी से बात कर रहे हैं सेक्रेटरी साहब ऐसे देखते रहे और मेरे सामने उन्होंने जो जे की बेजती की कि आपका बेटा भी यहाँ पर होगा ना तो ये बर्दाश्त नहीं करेगा मेरे रूम में आकर के आप मोबाइल पर बातें कर रहे हैं मैंने आपको किसी काम के लिए बुलाया है इतनी बेजती उस जॉइंट सेक्रटरी की मेरे सामने मेरे सेक्रेटरी ने की कि मैंने फिर अपने कलीग्स को बताया कि मेरे को तीन दिन तक जैसे मैं फीवरिश फील कर रही थी और तब मुझे महात्मा बुद्ध की वो कहानी याद आ गई कि जो टॉक्सिक व्यक्ति है वो आप पर जहर उगलेगा लेकिन उसके उस जहर को आप अपने एनर्जी फील्ड में एंटर मत की मत करने दीजिए अपने को इंसुलेट कीजिए साइकोलॉजिकली तो वो नेगेटिव एनर्जी तीसरे दिन ही उस व्यक्ति के पास लौट के जाएगी और वो इंसान सफ़र करेगा ये चीज़ मैंने एक बार नहीं कई बार अनुभव की मुझे बहुत धमकियाँ भी मिलती थी जैसे कि जो मैनिपुलेटिव uh, बॉसेस होते हैं जब हम करप्शन केसेस का एग्जामिन करते थे एक इंस्टीट्यूशन uh, में तो वो क्या करते हैं कि अगर उन्होंने पैसे लिए हैं मान लीजिए किसी को फेवर करने के लिए तो वो खुद फाइल पर कुछ नहीं लिखेंगे वो हमें बुला के एक घंटा भाषण देंगे कि यू यू हैव 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 डन डन दिस 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 शुड कुड कुड बीन बीन हमें मेंटली वो मैनिपुलेट करते हैं और हमसे कहेंगे जाइए आप अपनी नोटिंग चेंज करके लाइए नहीं hmm. कितनी भी बहस हो मैंने कहा सॉरी सर मैंने अपना ऑब्जर्वेशन दे दिया अगर आप मुझसे डिसएग्री डिस आप रिकॉर्ड कर दीजिए जो मैनिपुलेटिव पर्सन होता है वो फाइल पर एक शब्द नहीं लिखता वो सबॉर्डिनेट को सिर्फ डरा धमका के ताकि फ़ायदा तो उठाएगा खुद और कल को चार्जशीट मिले केस बने तो उसमें सवॉर्डिनेट को फंसा दिया जाए कि मुझे तो पता नहीं मैं तो बिजी व्यक्ति था ऐसे एक बने नहीं बहुत बार केसेज हुए और आखिर में यह हुआ कि जैसे एक कमीशन में हम लोग काम करते थे मेंबर बुलाते थे तो उन्होंने मेरी फ़ाइल पढ़ी बोले मैं आपकी फ़ाइल पढ़ रहा था यहाँ तक तो मंजिला सक्सेना की आ, वे ऑफ थिंकिंग डिफरेंट था और अचानक दो पेजेस में ये चेंज क्यों हो गया मैंने कहा सर फलाने फ़लाने ऑफिसर ने कहा था कि भैया आई टू सेव दिस पर्सन तो इसको थोड़ा सा डायल्यूट कर दो इसलिए मुझे ऐसा करना पड़ा बोलो अपनी नोटिंग लेकर क्या है जो मैंने लिखा होता था वो ईमेल पर लेकर के उसको रिप्लेस कर दिया करते थे तो मैंने देखा प्रकृति अपने ढंग से न्याय करती है हमें डरने की जरूरत नहीं है हमारी इंटेंशन अगर अच्छी है और हम क्लियर हैं कि हम किसी के साथ भी अन्याय नहीं करना चाहते हम ना विक्टिम बनना चाहते हैं ना किसी को विक्टिम बनाना चाहते हैं तो प्रकृति कहीं ना कहीं से हमको सपोर्ट करती है और फिर ऐसा कुछ हो जाता है कि आपकी आत्मा पर कभी कोई दबाव या धब्बा बोझ नहीं, नहीं रह जाता कोई बोझ नहीं।, नहीं रहता मैंने तो बहुत पंगे लिए हैं मेरे मेरे को तो लोग बहुत बहुत कुछ बोला करते थे कोई आर लेडी कहता था कोई टीग्रेस बोलता था कोई बदतमीज भी बोलता था लेकिन ठीक है मैं तो भगवान को याद रखती थी कि भाई मेरी इंटेंशन यह है कि मैं अपनी तरफ से न्याय करना चाहती हूँ बाकी भगवान के हाथ में मंजुला जी यहाँ तक कि तो आपकी जर्नी बहुत अच्छी रही और आप करेजियस लेडी बनकर फ़ियर से आप आगे निकल गई और जीवन के अंदर अगर ये चीज़ हमारे साथ आ जाती है कि हम हर फ़ियर को या हर परिस्थिति को क्रॉस करने की हिम्मत रखते हैं तो हमें उसका सलूशन यूनिवर्स से मिलता रहे जिसको आप शब्द भगवान यूज़ कर रहे हैं वो वही हमारी कोई ना कोई किसी ना किसी माध्यम से हमारी स्पोर्ट और शक्ति बन जाती चाहे वो कहानी के माध्यम से बने या किसी भी माध्यम से बने तो मंजुला जी अभी यहाँ से चलते चलते आपका एक नया जीवन भी शुरू हुआ आपके अंदर आपकी शादी हुई परिवार बढ़ा तो उसके बारे में हम जानना चाहते हैं लेकिन मेरा शुरू से ये विचार था कि मैं बड़ी होकर के अनाथ बच्चों को एजुकेट करना चाहती थी क्योंकि जब मैं बनसली में पढ़ती थी तो हम लोग गांव में जाते थे और गरीब बच्चों को पढ़ाया करते थे और तो वो बच्चे हमेशा मुझसे कहते थे कि आप हमारे साथ ही रहिए उनको मेरी ज़रूरत है और मैं ये काम करना भी चाहती थी मदर टेरेसा से मैं बहुत ज़्यादा प्रभावित थी लेकिन उस वक्त मुझे लगा था कि जब तक एक अच्छा सा करियर नहीं है फिनेशियल स्टेबिलिटी नहीं है तब तक मैं ये काम नहीं कर सकती इसलिए मैंने यू का एग्ज़ाम क्वालिफाई किया और मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में मैंने काम करना शुरू कर दिया और साथ साथ मैं जितने ऑफनजे वगैरह मेरे थे मैं उन बच्चों के एजुकेशन के साथ भी जुड़ी रही वो काम मैं अभी भी कर रही हूँ और बहुत से बच्चे हैं जो मुझसे जुड़े हुए हैं मुझे अच्छा लगता है जब शादी हुई तो न्यूज़पेपर के थ्रू हुई थी और मैं आपको बता दूं कि मैं ऐसे ईश्वर की कृपा मानूँ या यूनिवर्स का प्लान दीजिए जैसे मैं शादी कभी नहीं करना चाहती थी लेकिन छः साल पहले ही मुझको मैंने गीता का पाठ किया और भगवान से पूछा है तो मुझे एक विज़न आया था कि मैं एस्ट्रल वर्ल्ड में ट्रैवल कर रही हूँ और मैं एक ऐसी बिल्डिंग में जाती हूँ जो वाइट कपड़ों में बहुत सारे एंजल्स हैं और वहाँ पर एक रूम में ले जा करके मुझे एंजल्स ने कहा कि एक काइस फैमिली है उसमें इनका नाम लिख दो तो मैं समझ गई थी कि भगवान का प्लान मेरे लिए है कि मुझे एक काइस फैमिली में जा कर के मेरिड लाइफ लीड करनी है तो शादी के बाद जब मैं अपने इन लॉज के साथ रहने लगी तो मेरे पति संजय किशोर जो थे वो नॉन वेज खाना और एक अलग तरह की उनकी सोच हुआ करती थी जो मेरे विचारधारा से बिल्कुल मैच नहीं करती थी तो शुरू में हमारे बीच में काफ़ी क्लैश हुआ करते थे तो मुझे तो ये था बचपन से जब भी गुस्सा आता था तो भगवान पर ही गुस्सा निकालती थी कि आपने मुझे किस मुसीबत में डाल दिया तो कृष्ण जी को बोला मैंने कहाँ मतलब आप कैसे जिंदगी कटेगी ऐसे लोगों के बीच में और ध्यान करके सो गए सपने में कृष्ण जी ने बताया मैं कृष्ण जी के सामने खड़ी हुई और दो लड़के मेरे साथ हैं मेरे दो बेटे हैं तो मैं समझ गई कि कृष्ण जी का ये प्लान है कि मुझे इन दो बेटों को इन दो आत्माओं को धरती पर लाना है और मैं बता दूं जो मेरा बड़ा बेटा है जब मैं तीन साल की थी ना तभी वो मुझे मुझे में दिखा दिखा करता था। जब मैं तीन साल की बच्ची थी, मुझे दो, आ, मेल करती थी, दो करती एक कपड़े में में होती थी थी। और एक वाइट कपड़े में होती थी। एक मेरे भाई का बेटा है जब मैं दिल्ली जॉब करने आई तभी मेरे सामने उसका बर्थ हुआ बर्थ होते ही वो मेरी गोदी में आया उसका नाम भी मैंने ही रखा एंड आई न्यू कि ये वही आत्मा है मेरी माँ को भी पता लग जाता था कि दो आत्माएं हैं दोनों कह रही कि पहले मैं पहले मैं एक इस घर में जन्मा एक उस घर में और अभी भी वो उनके बीच में बहुत ज़्यादा बनती है क्योंकि मेरी माँ भी शिव जी का ध्यान करती थी तो उनको शिव जी आगे होने वाली घटनाओं के विषय में सब बता दिया करते थे तो मैं और मेरी माँ के बीच में स्पिरिचुअल एक फ्रेंडशिप थी हम लोग शेयर किया करते थे अपने एक्सपीरियंसेस और मैसेज जो हमको मिला करते थे तो और जो मेरा दूसरा बेटा है जब मैं मेडिटेशन किया करती थी तो वो उसकी आत्मा मेरे आसपास घुमा करती थी घर में और बहुत अच्छे मुझे उस समय चौबीस तीर्थंकर जो थे उन्होंने मुझे दर्शन दिया आदिशंकराचार्य जी ने दर्शन दिया और एक मुस्लिम नबी जो थे उन्होंने भी मुझे दर्शन दिया मतलब बहुत सारे एस्ट्रावर्ट के मुझे मैसेज मास्टर्स ने मैसेज दिए कि इस आत्मा को तुम्हें जन्म देना है तो और जब उसका जन्म भी हुआ तो मैं अस्पताल में मेडिटेशन में कर रही थी तो सरस्वती जी लक्ष्मी जी और गणेश जी तीनों ने फूल बरसा उसके ऊपर बरसाए थे और मेरी एक जैसे मित्र थी वो बहुत अच्छी एस्ट्रॉलॉजर है, है अभी भी है उसने भारतीय विद्या भवन से एस्ट्रोलॉजी सीखी हुई है तो मैं उसके संग कंसल्ट किया करती थी जब भी हो तो इधर से घटनाएं होती थी इधर से मैं एस्ट्रोलॉजिकली उसको क्रॉस चेक करती थी तो वो बता दिया करते थे कि हाँ ऐसा ऐसा होने जा रहा है ऐसा हुआ होगा तो प्रकृति पूरी तरह से मुझको गाइड करती रही मैंने और फिर जब मैंने भगवत गीता में पढ़ा है कि भगवान ने कहा है अर्जुन को अर्जुन यदि नहीं करना चाहता था कि भाग्यवान क्षत्रियों को ही कुरुक्षेत्र मिलता है तो मैं तो स्वभाव से क्षत्रिय थी और भगवान ने हर हर कदम पर मुझे कुरुक्षेत्र दिया और मैंने युद्ध किए बहुत कुछ सुना भी सहा भी लेकिन फिर परमहंस योगानंद जी को पढ़ा तो उन्होंने बिल्कुल से आगे की सारा गाइडेंस दिया फिर मैं ऑफिस से जाती थी उनका जो आश्रम है मैं एक घंटा वहाँ ध्यान करती थी मुझे हर बात का बिल्कुल क्लियर जवाब योगानंद जी से भी मिल जाता था भगवान से भी मिलता था माँ काली से भी मिलता था ऐसे लोग मिल जाते थे जिनके हनुमान जी की सिद्धि है और मैं उनसे उनके संग बैठ के ध्यान कर रही हूँ उसके बाद मैं जिधर देख रही हूँ हनुमान जी मुझे उस रूप में वो पहाड़ को लेकर के जब वो लंका जा रहे हैं संजीव बूटी लेकर के हनुमान जी मुझे उस रूप में दर्शन दे रहे हैं कभी दुर्गा जी दर्शन दे रहे हैं कभी काली माँ दर्शन दे रही हैं तो मुझे समझ में आ गया कि मेरे को तो एक स्टेज पर बस एक रोल निभाना है स्क्रिप्ट तो भगवान ने लिख के रखी हुई है मेरे लिए तो जब आप डरते नहीं इन्वॉल्व नहीं होते तो सब कुछ धीरे धीरे होता जाता है हर कदम पे भगवान आपको गाइड करते हैं बल्कि मैं आपको ये भी बताऊंगी कि जुलाई 95 के बाद है मेरे घर में एक साधु आए थे और मेरे हस्बैंड ने कहा कि वो साईं बाबा के मंदिर से कोई साधु हैं तुमसे मिलना चाह रहे हैं तो मैंने कहा कुछ पैसे दे दो मैं किचन में काम कर रही थी तो उन्होंने कहा नहीं मैं पैसे नहीं लूंगा मैं मिलने आया फिर वो आए और उन्होंने मुझे पास्ट और फ्यूचर के बारे में बहुत कुछ बताया मेरे फादर ने लोगों को भी बताया मुझे भी बताया कि ऐसा ऐसा होगा अब होने जा रहा है और उसके बाद क्या हुआ मैं ध्यान करती थी नवम्बर नाइन्टी फाइव में मेरे साथ ऐसा हुआ कि हर बीस मिनट बाद एक बहुत तेज़ गोल्डन लाइट मेरे राइट साइड में मुझे दिखा करती थी और किसी को नहीं दिखेगी लेकिन मुझे दिखती थी तो फिर मैं बहुत सारे ब्रह्मकुमारियों के साथ भी गई कई लोग मुझे अध्यात्म लोगों से तो उन्होंने कहा कि आप जहाँ रहते हो वहाँ निगेटिव एनर्जीज़ बहुत हैं क्योंकि जहाँ पर लोग नॉनवेज खाते हैं शराब पीते हैं तो वहाँ उसी तरह की आत्माएं अट्रैक्ट हो जाती हैं और वहाँ मैं बिल्कुल अपोज़िट नेचर के उस जगह पर पहुँच गई तो वो आत्माएं मुझ पर अटैक करती थी और मुझे हमेशा पता होता था कि कौन किस इंटेंशन से अब क्या करने जा रहा अभी भी ऐसा है मेरे आसपास कितने भी ख़तरनाक लोग हों मुझे भगवान से अपने में

जब कोई मुझे बताता था कि वो यार तो ऐसे ऐसे बोल रहे थे उनको वो कहते हैं वो लड़की बड़ी वो लेडी बड़ी ख़तरनाक है तो मुझे कॉन्फिडेंस मेरा बढ़ जाया करता था और मुझे लगता था कि मुझे भगवान ने यहाँ भेजा है कुछ सुधार करने के लिए भेजा है मैं भगवान के लिए काम कर रही हूँ भगवान के उद्देश्य की पूर्ति के लिए काम कर रही हूँ और मैं जहाँ भी रही मैंने चीज़ों को इम्प्रूव किया जो लोग विक्टीम बने हुए थे उनकी मदद की उनका कॉन्फिडेंस बढ़ा और वो लोग मानते थे कि यार तुम्हारे को देख करके हमें भी हिम्मत आती है नहीं तो हम तो डिप्रेशन में जा रहे थे मैं कह रही क्या हमने तो इनसे बड़े बड़े बहुत टॉक्सिक लोगों को हैंडल किया तो हमको डर नहीं लगता तो लाइफ में जितनी आप टॉक्सिक सिचुएशन टॉक्सिक पर्सनस को हैंडल करते हो उतना ही ज़्यादा हमारा आध्यात्मिक उन्नति स्पीड अप होती है और मैं मैंने साइंस पढ़ी है मैंने योगियों को पढ़ा था डिटेल में पढ़ा था हिमालय के योगियों को तो मुझे ये समझ में आ गया कि जो भी टॉक्सिक रिलेशनशिप है या टॉक्सिक बॉस है या टॉक्सिक सवॉर्डिनेट है ये टॉक्सिक सिचुएशन है हालात ऐसे हो जाते हैं वो ईश्वर की दी हुई स्पेशल गिफ्ट होती है क्योंकि उसी समय हम अपने आप को टेस्ट कर पाते हैं कि हमने जो पढ़ा है हम प्रैक्टिकली उसको कितना इम्प्लीमेंट कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं और अगर मैं केमिस्ट्री की भाषा में कहूँ तो टॉक्सिक पीपल आर द कैटलिस्ट जो किसी भी केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप करते हैं तो अगर हमारी लाइफ में निगेटिव लोग नहीं आते जो हमारी मजाक बनाते हैं हमारे विरुद्ध षड्यंत्र रचते हैं जहरीले रिमार्क पास करते हैं तब तक हम आध्यात्मिक रूप से उन्नत हो ही नहीं सकते हैं सेल्फ कंट्रोल हम ऐसे ही लोगों के बीच में सीखते हैं कि कोई कुछ भी कहे हमें जवाब नहीं देना है हमें चुप रहना है बॉडी लैंग्वेज ही सब कुछ कर देती है आप जब ऐसे लोगों के बीच में मेडिटेशन करते हैं तो उनके अंदर डर भर जाता है मैंने ये देखा वो कहते हैं यार इससे डर लगता है और मुझे ये समझ में नहीं आता मुझसे डर क्यों लग रहा है भाई फिर समझ में आता है कि जो अंधेरा है उसको हमेशा रोशनी से डर लगता है जो मैनिपुलेशन करने वाले करप लोग होते हैं उनके बीच में अगर कोई मेडिटेशन करेगा तो उनके अंदर बहुत डर भर जाता है कि यार पता नहीं हमारी पोल ना खुल जाए बट ये प्रकृति का सिद्धांत है हमें जो भूमिका दी गई हमें करनी क्योंकि वक्त के संग वो लोग भी बदल जाते हैं मैंने ये बहुत अच्छे से अनुभव किया है अब जैसे मेरे रिलेशनशिप की मैं बात करूँ जब मैं बच्ची थी तो मैं अपने पिताजी को देखती थी तो मेरे अंदर एक डर भर जाता था मुझे सिर्फ लगता था कोई राक्षसा के पता नहीं वो डर क्यों था शादी हुई तो फादर लोग के साथ भी वैसा लगता था कि जैसे बहुत भयानक दुश्मनी है फिर मेरे पिताजी ने बताया कि कुछ साल पहले पिछले जन्म में कहीं कुछ बहुत बड़ा कुछ क्रिमिनल एक्ट इन लोगों ने मिलकर मेरे अगेंस्ट किया था जिसकी वजह से मेरे अंदर बड़ा आक्रोश की भावना थी मैं मेडिटेशन करती थी तो मुझे लगता था कि मैं एक एक को जैसे गला पकड़ के मैं खत्म कर दूं और मेरी एक फ्रेंड थी बहुत ही अच्छी एस्ट्रोलॉजर उसने कहा है उसने मुझे बताया मेरा एस्ट्रो देख के कि आपके फादर और फादर इन लॉ आपके संग कितना भी अच्छा करें आप कभी उनकी इज्जत नहीं कर पाओगे मैंने कहा ऐसा ही है फिर पिताजी से बात की तो उन्होंने तो कन्फर्म किया कि हाँ कभी कुछ इस तरह की इस तरह की घटना हमारे परिवार में घटी थी तो मैंने कहा ठीक है आप हिसाब बराबर हो रहे हैं कभी आपने किसी के संग कुछ बुरा किया था तब वो बहू थी मजबूर थी लेकिन जब वो बेटी बनके आपके सामने आ जाएगी फिर तो कोई एस्केप रूट नहीं है लेकिन यह है कि धीरे धीरे वो भी आध्यात्मिक होते चले गए और मैंने ये रियलाइज़ किया खासकर जब मैं महायोगी पायलट बाबा जी के संग 2001 में नैनीताल में उनके आश्रम में पाँच दिन रही थी बहुत कुछ सीखा बहुत कुछ अनुभव किया मैंने लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग एक्सपीरियंसिस बाबा जी के साथ किए कि ये जो ब्रह्मांड की भाषा है वो मैथमेटिक्स है लेफ्ट साइड है राइट right साइड है उसमें प्लस है माइनस है अगर आपके जीवन में किसी के संग या किसी ने मेरे संग कुछ माइनस किया है तो अगर मैं उसको सुधारना चाहती हूँ तो मुझे प्लस होना पड़ेगा माइनस माइनस से कभी कैंसिल नहीं होता माइनस को कैंसिल करने के लिए आपको प्लस होना पड़ता है या किसी भी रिलेशनशिप में बहुत ज्यादा बहस होते हैं तो मैंने रियलाइज किया कि पत्थर से जब पत्थर टकराता है तो चिंगारी निकलती है अब आपके पास अगर पत्थर आ गया है और आपको उसको जीतना है हराना है तो आपको समुद्र बनना पड़ेगा उदार बनना पड़ेगा तभी वो पत्थर उसके अंदर डूबेगा और टकराहट खत्म होगी तो रियल लाइफ में भी ऐसा ही होता है हमको डरने की जरूरत नहीं है हमें प्रकृति के सिद्धांत समझने चाहिए कि अगर कोई निगेटिव एलिमेंट मेरी लाइफ में है वो निगेटिव इसलिए है कि उसके साथ भी किसी ने कुछ बुरा किया होगा इसलिए वो कैरी फॉरवर्ड कर रहा है उस निगेटिव को हम अगर पॉजिटिव हो जाते हैं तो धीरे धीरे उसकी निगेटिविटी भी पॉजिटिविटी में कन्वर्ट हो जाती है तो आपकी जो पॉजिटिव एनर्जीज है मतलब जो भी एक ह्यूमन में बॉडी है उसकी जो भी पॉजिटिव एनर्जीज हैं वो उसकी नेगेटिव एनर्जीज को डल्यूट कर देती हैं और अट्रैक्ट करती हैं पॉजिटिव एनर्जीज में तो मतलब जो हमारे पास है हम उसी चीज को दूसरों को देते हैं बिल्कुल बात है अगर कोई इंसान मेरे से जेलसी करता है उसे भी किसी ने कुछ बुरा दिया होगा वो उसको कैरी फॉरवर्ड कर रहा है हमें उससे डरना नहीं है हमें उदार बनना है कोई गाली दे अगर हम मुस्कुरा देंगे वो बेचारा जल भुन के और उसका हाल खराब हो जाता है इसमें तो असर ही नहीं होता बात का ये प्रकृति का सिद्धांत है कि तो यही कृष्ण ने सिखाया है कि कोई कुछ भी करे आप मुस्कुराते रहिए आप बांसुरी बजाते रहिए आप शरारते करते रहिए वो बेचारा अपने कुढ़न में आखिर में वो कह देगा कि असर ही नहीं हो रहा मेरे सारे शस्त्र जो हैं वो नाकाम हो रहे हैं तो वो खुद शस्त्र रख दे के आपकी शरण में आ जाएगा बहुत ही अच्छी चीज़ जो आपने बताई कि जब हम सबसे बड़ी चीज़ है अगर हमारे आसपास कोई भी नकारात्मक विचारों वाले लोग हैं या कुछ है उनके प्रति हमारा उदार भाव रहता है तो उनकी एनर्जीज भी डल्यूट हो जाती हैं धीरे धीरे और साथ में उनके जीवन में भी परिवर्तन आता है और हमारा जीवन भी सीखने के लिए बन जाता है कि अगर हम कुछ भी चीज़ सुन रहे हैं कुछ भी चीज़ देख रहे हैं उसको हम अपने अंदर नहीं लेकर जाते तो हमें भी कोई इफेक्ट नहीं होता बट जो हमारा अगर हम अपना लेवल बढ़ा लेते हैं एनर्जी का सकारात्मक उसका तो उससे उसको फायदा हो सकता है और हमारे वो नीचे से ही निकल जाएगा हमारा एक आधा परसेंट टेन परसेंट कम हो जाएगी ऊर्जा परंतु कहीं ना कहीं उसका भी बेनिफिट होगा और हमारा भी बेनिफिट होगा माध्यम हमें भी मिलेगा कोई और एनकरेजमेंट के लिए कि हमें और क्या करना है तो बहुत अच्छा है मंजुला जी और अभी आपके पास हमें जानने के लिए बहुत कुछ है तो हम इंतजार करेंगे अगले एपिसोड के लिए तब तक के लिए आपसे आज्ञा चाहते हैं फिर मिलेंगे धन्यवाद आप धन्यवाद नमस्कार दोस्तों कितनी सुंदर आत्मा की यात्रा हमने अभी तक देखी मंजुला जी की कि जीवन के अंदर फियर को हमेशा करेज के रूप में लीजिए अगर आप शांत हो जाते हैं साक्षी बन जाते हैं उस चीज के तो वो अपने आप डल्यूट होकर या कोई ना कोई माध्यम बनता है उसका सलूशन आपके सामने आ जाता है तो हमेशा ट्रस्ट करिए यूनिवर्सल एनर्जीज के ऊपर अपने आप को सरेंडर करिए उसी के प्रति कैसे ध्यान के माध्यम से उन्होंने अपने हर रास्ते को देख लिया हर रास्ते को समझ लिया तो अभी बहुत कुछ बाकी है जानने के लिए कि कैसे वो अलग अलग इंस्टीट्यूशंस में जाके उन्होंने नई नई चीज़ें सीखी और उनके अनुभवों के साथ अपनी आत्मा को पूर्ण रूप से प्रकाश रूप में ले आई तो बने रहिए हमारे साथ अगले एपिसोड में तब तक के लिहा क्या चाहते हैं धन्यवाद सारे योगियों को पढ़ने के बाद ये चीज़ बिल्कुल समझ में आ गई कि जो भी कन्फ्यूजनस हैं या इवन हिंदू में बताऊँ इतनी सारी आध्यात्मिक संस्थाएँ मैं ऑलमोस्ट सब में जाके अंदर तक मैंने खंगाला है हर व्यक्ति कहीं ना कहीं दूसरी को क्रिटिसाइज़ करने की कोशिश करता है योगियों को जब पढ़ा और ख़ासकर मैं पत्री जी से जब मिली पत्र जी की अप्रोच मेरी बिल्कुल ट्रांसपेरेंट लगी हम लोग बचपन में सोचते थे कि एक दिशा में एक आसन में एक समय पर बैठ कर के ही हम गुरुओं को याद करके हम ध्यान का अभ्यास करते थे पत्र जी ने उसको बिल्कुल लिबरलाइज कर दिया कहीं भी चले जाइए क्योंकि उन्होंने स्पिरिचुअल साइंस का कोर ले लिया कि तुम्हें कोई मंत्र नहीं चाहिए तुम्हें कोई मूर्ति नहीं चाहिए तुम्हें कोई गुरु नहीं चाहिए तुम्हें कोई दीक्षा नहीं चाहिए जो कोर में है सांस ही तो है जो हमको भौतिक और सूक्ष्म जगत के बीच में हमको जोड़ करके है